हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। और मेरी उम्र के नौजवानों, यू आर प्रो। तो खाली इतना ज़्यादा बस्ती बना के बोल रही हूँ मैं। फिलहाल मैंने अपने बालों का क्लच उतार के यहाँ लगा दिया है। ये मेरी रोज का नॉर्मल सा डायलॉग है, क्योंकि मेरे पास क्लिप नहीं है। तो किसी को अगर लगे कि उफ ये तो कुछ ज़्यादा ही अनप्रोफेशनल हो रहा है, तो ये देखो अनप्रोफेशनल वाली हरकतें। मेरा माइक कैसे शुट, आवाज़ भी तो हो रही होगी, मेरा माइक कैसे झूल रहा था। तो आज हम आ चुके हैं, मैंने थोड़ी एनर्जी डाउन कर एकता पांडे। एक तो मैं जल्दी थक के आ रही हूँ, अभी भी ऑफिस से आई मैं, और आज मैं थोड़ा बहुत जल्दी पहुँच गई, मतलब 6:15 बजे मैं घर पहुँच गई। तो आज हम ऐसे ही बैठ के गप्पे मार रहे थे, गप्पे मारते हैं नॉर्मली, तो मेरे दिमाग में यही चलता रहता है कि अपने कलीग से भी कि यार तू कुछ मुझे वीडियो पे कुछ बताया कर, यूट्यूब पर रिएक्ट करने के लिए अच्छी अच्छी वीडियो, ट्रेंडिंग वीडियो, जिससे मैं लोगों तक पहुँच पाऊँ। तो उसने ही मेरे को सजेस्ट किया है आज गदर 2 का एक सॉन्ग आया है, फटाफट से कर दे, क्योंकि गदर 1 का देखो, गदर 2 का जो पहला सॉन्ग था वो तो मैंने खुद ही देख लिया था, लेकिन बाकी चीज़ें मेरे से पहले जो भी एक्टिव लोग हैं वो दुनिया में, वो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं मेरे आसपास के। तो भाई ने कर दिया है सजेस्ट, तो हम जरा सुन लेंगे जरा उस बंदे ने क्या किया है। उसने सुना होना कुछ नहीं होगा, उसने मतलब इसलिए बताया कि देखिए ट्रेंडिंग लिस्ट में आया है तो कर ले रिएक्ट। तो आ जाओ सुन लेते हैं, मैं तो वैसे भी तैयार रहती हूँ। गदर 2 थोड़ी सी मैं मूवी देख के भी आऊँगी, ये मैं लिख के ले लो कह रही हूँ, उसका शॉर्ट्स भी मैं डाल दूँगी, क्योंकि मेरे को बड़ा पसंद है रोमांटिक चीज़ें, और थोड़ा सा प्यार पे मेरा झुकाव ज़्यादा है, लोगों को पता ना भी हो तो मैं बता ही देती हूँ। आ जाओ, फिलहाल बहुत ज़्यादा बकवास मैंने कर ली है गदर 2 पे, गदर मचा देते हैं, ज़रा देख लेते हैं क्या गर्दे उड़ाए हैं इन्होंने। खैरियत गाना है शायद, मैंने ऐसे ही डाल के देखा था एक बार। आ जाओ, कनेक्ट हो जा रे बाबा, हो गया। आहा, सीन बड़ा प्यारा है यार। है दो जहां के मालिक, सुन ले मेरी गुजारिश, मेरे जिगर के टुकड़े के वास्ते ये ख्वाहिश, वो जहां भी जिस जगह हो तेरा हाथ सर पे रखना, हर दम हर घड़ी हाँ तू फिकर उसकी करना, उसे खैरियत से रखना, उसे खैरियत से। ये बच्चा उनका बड़ा हो गया ऐसा लग रहा है क्या? उसे खैरियत से रखना, बस खैरियत से रखना। कभी तेज धूप उसका बदन जला न पाए, कभी बारिशें भी उसको बीमार कर न पाए, होली हाफ तन पे उसके तेरे हाथों से तू ढकना, उसको लगे न ठोकर। एक बार पॉज कर रही हूँ सनी देओल की, देखो बीच में ऐसे बोला लोगों को अच्छा नहीं लगता, पर मैं बोल देती हूँ क्योंकि फिर बाद में चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक है, ऐसे एक दो कट टू कट याद नहीं रहती हैं। सनी देओल की आंखों में जो पानी भरा हुआ है ना यार, उसे देख के ऐसे एक्टिंग देखो ना यार, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इतना दुख दिख रहा है, मतलब दुनिया भर का दुख इन पे ये ऐसा वाला फील आ रहा है पूरी आंखों से ही, बस गजब। इतना करम तू करना, उसे खैरियत से रखना, उसे खैरियत से रखना, उसे खैरियत से रखना, बस खैरियत से रखना, उसे खैरियत से रखना, उसे खैरियत से रखना, खैरियत से रखना, बस खैरियत से रखना, उस खैरियत से
रखना, उसे खैरियत से रखना। मैं वही कहूँ, वैसे वैसे मेरे को ऐसे सिंगर्स की आवाज़ एकदम से पहचान में नहीं आती है, बट एकदम से कान में लगा के जिनके गाने बहुत ज़्यादा सुने हों, मतलब जिनकी बिल्कुल रैंडम हमने हर दूसरे तीसरे गाने में आवाज़ सुनी हो, तो वो पहचान में आ जाती है, अरिजीत सिंह। तो ये मुझे लग रहा था कि शायद उन्होंने गाया होगा। वैसे मैं मोस्टली देखती नहीं हूँ किसने गाया है क्या गाया है, मतलब थोड़ा इतना अंदर घुसती नहीं हूँ चीज़ों पे, पर ये मुझे पता चल गया था। तो गाना बड़ा ही प्यारा गाना गाया, एक तो सबसे बड़ा लिखा बहुत अच्छा है, जो मतलब केयरिंग नेचर को दिखाया है ना, किस तरह से उसको गर्मी में भी धूप ना लगे, बस बरसात में, वो क्या लाइन थी, जो भी एक लाइन थी, मतलब इतनी मतलब इतनी कॉमन सी चीज़ें उसको भी गाने में पिरोया है, तो बहुत बढ़िया बात है। मेरे को गाना अच्छा लगा। और खैरियत सुन के मेरे को उनसे सुशांत वाला भी याद आया, खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। आहा, ये थोड़ा मैं अपनी भी भसड़ निकाल देती हूँ बीच में ना, थोड़ा सा मेरे को भी गाने का मौका मिल जाता है। तो गाना मुझे ओवरऑल बड़ा अच्छा लगा, और पूरे में गाने में दुख दर्द ही दिखाया था, कुछ और एक्टिंग के नाम पे करना नहीं था, और इनको कुछ जरूरत भी नहीं है। आंखों की एक्टिंग इनकी बहुत ज़्यादा वो लग रहा है, अमीषा पटेल भी पूरी वो लग रही है, थोड़ी थोड़ी स्टोरी समझ में आ रही है कि बच्चे की चिंता हो रही है, बढ़िया लगा। तो अगर आप लोगों को मेरे साथ देखने में अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो, तो लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और फैलाओ बहुत ज़्यादा, तभी पहुँचूंगी मैं लोगों तक। बाय बाय, टेक केयर एंड टाटा।